हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपने ऑडियो में से नॉइस को कैसे रिमूव कर सकते हो। आप लोग यूट्यूब के लिए वीडियो तो रिकॉर्ड कर लेते हो, बट उसका जो ऑडियो है अगर उसमें क्वालिटी ही नहीं होगी तो आप लोग का जो वीडियो है वो भी बेकार दिखने लगेगा। अगर आप लोग की ऑडियो में नॉइस वगैरह आ रहा है तो उसको कैसे रिमूव करना है पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे उसको रिमूव कर सकते हो। बहुत इजी तरीके से आप लोग को टॉप 3 एप्लीकेशन बताऊंगा जो मैक्सिमम यूज होता है, और आप लोग तीनों में से कोई भी पसंद आता है आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहली एप्लीकेशन है डॉल्बी ऑन। ये आप लोग को प्ले स्टोर से इजिली मिल जाएगा और फ्री में इसको यूज कर सकते हो। इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा आप लोग को। यहाँ से अगर आप लोग खुद से इसमें वॉइस ओवर करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ से हम लोग इस पर टैप करते हैं, आप लोग को 3 ऑडियो प्रीसेट मिलता है जो पहले से ही रहता है। अगर आप लोग इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर देते हो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर रखना चाहते हो तो रख भी सकते हो। अब इसमें अलग से ऑडियो कैसे इंपोर्ट करना है, जैसे कि आप लोग इसी में अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। बट अगर आप लोग दूसरे जगह से अपना जो ऑडियो उसको यहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हो, मतलब इसमें इंपोर्ट करना चाहते हो, तो उसको कैसे कर सकते हो? आप लोग को इसके लिए पहले बैक करना पड़ेगा। इधर स्क्रॉल करके आप लोग अगर फाइल मैनेजर यूज करते हो या फिर गैलरी यूज करते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को एक वीडियो सेलेक्ट करना है या फिर ऑडियो फाइल ही सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं एक वीडियो सेलेक्ट कर देता हूँ जिसमें मेरा ऑडियो अटैच है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद ये वाली ऑडियो है, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब ये वाली वीडियो है जिसमें मेरा ऑडियो है, इसको हम लोग को एडिट करना है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ नीचे सेंड का जो ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप लोगों के सामने बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाएगा इस टाइप से, देख सकते हो, जिसमें आप लोग इसको शेयर कर सकते हो। आप लोग को यहाँ से डॉल्बी ऑन को फाइंड करना है। मेरे में फर्स्ट पेज भी आ गया है। अगर नहीं मिलता तो इधर स्क्रॉल करके आप लोग फाइंड कर सकते हो। इस पर टैप करेंगे, टैप करते ही हम लोग का जो फाइल है यहाँ से इम्पोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा डॉल्बी ऑन एप्लीकेशन में। तो हम लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है। हम लोग का जो फाइल है यहाँ से इम्पोर्ट हो गया है। अब इसको यहाँ से बैक करेंगे, अब इसको ओपन करेंगे। ओपन कर लेने के बाद ये वाला जो फाइल है यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हो। आप लोग को सिंपली इस पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद यहाँ से आप लोग को इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको प्ले कर सकते हो, पॉज भी यहीं से कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो नॉइस है उसको हम लोग को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए यहाँ एक टूल मिलता है, आप लोग इस पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद 5 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप लोग अगर अपना जो सॉन्ग है उसको थोड़ा सा एडिट करना चाहते हो, लाइक मोटा करना चाहते हो, पतला करना चाहते हो, या फिर थोड़ा सा इको उसमें ऐड करना चाहते हो, यहाँ से कर सकते हो। ये जो स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट नंबर पर, आप लोग इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ से कुछ इफेक्ट है, आप लोग इसको यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग को अपना जो आवाज़ है उसको मोटा करना है, डीप करना है, जैसे ये वाला जो ऑप्शन है आप लोग इसको यूज कर सकते हो। इस पर टैप करेंगे, उसके बाद इस पर फिर से टैप करेंगे जिससे आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है उसको छोड़कर आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से इसका जो लेंथ है, मतलब कि इसका परसेंटेज है, आप लोग इसको रखना 7 से 8 के बीच, मतलब 7 या 8 रखना, इतने में आप लोग का वॉइस काफ़ी मोटा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा सुनने में। इसको हम लोग को यहाँ से बैक करना है। बैक कर लेने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करना है। हम लोग का इफेक्ट अप्लाई हो गया है। अब हम लोग को नॉइस को रिमूव करना है। यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सेकंड नंबर पर, आप लोग इसको टैप करोगे, यहाँ से इस टाइप का इंटरफेस आएगा। इसमें भी परसेंटेज होता है, आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देना 6 या 7 के बीच। उसके बाद आप लोग यहाँ से राइट क्लिक करते हो, फिर आप लोग का जो ऑडियो यहाँ से एडिट हो जाएगा। आप लोगों को अगर प्ले करके भी दिखाता हूँ यहाँ पर तो आप लोग को सुनाई नहीं देगा, इसलिए आप लोग अपने मोबाइल में इसको प्रैक्टिकल करके देख लेना। ओके, अब ऑडियो तो एडिट हो गया है, हम लोग का नॉइस रिमूव हो गया है। अब इसको हम लोग को सेव करना है। सेव करने के लिए यहाँ से ऊपर डन दिख रहा है, आप लोग को इस पर टैप करना है। होम पेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। यहाँ से शेयर का जो ऑप्शन है सेकंड नंबर पर, आप लोग इस पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद इस टाइप से इंटरफेस फिर से आ जाएगा। अगर आप लोग इसको ऑडियो फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सेव ऑडियो का, आप लोग को इस पर टैप करना है। अगर वीडियो फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो जैसा हम लोगों ने अभी इम्पोर्ट किया उस टाइप से, तो यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है आप लोगों को इस पर टैप करना है, फिर आप लोगों का ऑडियो यहाँ से सेव हो जाएगा। सेकेंडरी एप्लीकेशन है काइन मास्टर। ये भी आप लोग को प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा, इसको भी फ्री में यूज कर सकते हो। यहाँ से इसको होम पेज इस टाइप से शो हो जाएगा, आप लोग को इस पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद अपना रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी रेशियो में आप लोग वीडियो एडिट करना चाहते हो उस रेशियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से क्रिएट पर टैप करेंगे, उसके बाद इस टाइप से इसका होम पेज आ जाएगा। अब आप लोग को अपना जो फाइल है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। मैं यहाँ से एक ब्लैक पेज लूँगा, देन ऑडियो को ही ओनली यहाँ से इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ से ब्लैक पेज ले लेते हैं, इमेज एसेट में जाएंगे, ब्लैक कलर ले लेते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब इसका जो लेंथ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ इतना।
आप लोग अगर अलग से ऐड एड करना चाहते हो, मतलब उसको एडिट करना चाहते हो, तो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसको आप लोगों को फॉलो करना है। अगर आप लोग डायरेक्ट वीडियो को ऐड करना चाहते हो, यहाँ से कोई सा भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना, अब उसका ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करना भी बहुत ईजी है, बट हम लोग यहाँ से सेकेंडरी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो ऑडियो अलग से है उसको हम लोग यहाँ से एडिट करने वाले हैं। तो मैंने एक फाइल सेलेक्ट कर लिया है, ये ब्लैक कलर का। अब एक ऑडियो हम लोग को सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करेंगे। यहाँ से एक सॉन्ग मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इस पर सर्च कर लेते हैं, ये वाला है। यहाँ से इस पर टैप करेंगे, फिर प्लस का आ जाएगा, इसको प्लस कर लेना इस टाइप से। अब यहाँ से कैंसिल करते हैं, इसको कट करते हैं। अब यहाँ तक आएंगे और अब आप लोग को ऑडियो फाइल को डिलीट करना है, मतलब कोई इधर को ट्रिम करना है हम लोग को। यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है कैची का, इस पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद आप लोग को ये वाला जो दिख रहा है ट्रिम राइट, मतलब राइट साइड ट्रिम होगा, आप लोग को इस पर टैप करना है। फिर हम लोग का ऑडियो परफेक्ट कट हो जाएगा, इसको बैक करेंगे। अब इसका नॉइस है उसको रिमूव करना है, क्योंकि इसमें नॉइस वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप लोग को ये जो ऑप्शन दिख रहा है इक्वलाइजर का, EQ, आप लोग को इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद दो इफेक्ट आप लोग को बताता हूँ, दो प्रीसेट बताता हूँ जिसको आप लोग को यूज करना है, मतलब दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हो। एक है ये वाला बेस बूस्टर और सेकेंडरी है ट्रिबल बूस्टर, हम लोग इसको यूज कर लेते हैं ट्रिबल बूस्टर को। दोनों में से किसी भी प्रीसेट को आप लोग यूज कर सकते हो, दोनों सिमिलर टाइप से काम करता है और काफ़ी ज़्यादा नॉइस को रिमूव कर देगा। यहाँ से इसको बैक करते हैं, हम लोग का ऑडियो रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग को सेव करना है, सेव करने के लिए इस पर टैप करेंगे। यहाँ से अपना रेजुलेशन वगैरह सेलेक्ट कर लेना, FPS वगैरह जो भी जितना भी रखना चाहते हो जो भी। उसके बाद यहाँ से सेव वीडियो दिख रहा है, आप लोग को इस पर टैप कर देना, फिर आप लोग का जो ऑडियो यहाँ से सेव हो जाएगा। वीडियो फॉर्मेट में सेव होगा, बट आप लोग अगर एडिट करते हो उतना टाइम आप लोग को वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है, देन उसका ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फिर आप लोग का काम हो जाएगा। अब थर्ड नंबर का एप्लीकेशन है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इसको बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। इससे काफ़ी हद तक नॉइस रिमूव हो जाएगा और अलग से आप लोग अपना जो ऑडियो उसको एडिट कर सकते हो। कैसे करते हैं उसको मैं अभी बताता हूँ। यहाँ से ऊपर ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को ओपन का, आप लोग इस पर टैप करना है। टैप कर लेने के बाद आप लोग को एक ऑडियो फाइल सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं कोई सा भी एक ऑडियो फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये वाली मैंने एक फाइल सेलेक्ट कर ली है। यहाँ से आप लोगों को कुछ सेटिंग नहीं मतलब इसका ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ से ये वाला जो है आप लोग यहाँ से अपना जो ऑडियो इसको प्ले कर सकते हो और इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, स्किप वगैरह यहाँ से पॉज कर सकते हो। बट हम लोग को यहाँ से ऑडियो को एडिट करना है। ऑडियो एडिट करने से पहले आप लोग को ये वाला जो ऑप्शन है आप लोग को इस पर एक बार टैप कर लेना है। उसके बाद इसको यहाँ तक ले आना, मतलब कि जहाँ से आप लोग बोलना स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पर। उसके बाद ये थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग को इस पर टैप करना है। उसके बाद यहाँ से इफेक्ट दिख रहा है सेकंड नंबर पर, आप लोग इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद ये जो नॉर्मलाइज का है, अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जैसे कि मेरा ग्राफ है यहाँ से देख सकते हो, ये नीचे का थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मतलब कम है ज़्यादा है और ऊपर का सिमिलर है, तो आप लोग को इसको ज़रूर से अप्लाई कर लेना। इससे आप लोग का जो वॉइस है अच्छा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। यहाँ से इस पर टैप करके थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं, इससे आप लोग का जो नॉइस है कहीं पर ज़्यादा बोल दिया, मतलब ज़ोर से चिल्लाकर बोलते हैं, कहीं डाउन हो जाता है, इस टाइप से आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ से फिर से इफेक्ट में जाएंगे, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद आप लोग को मिलेगा ये नॉइस रिडक्शन, आप लोग को इसको यूज करना है। उसके बाद यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट होता है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने मतलब वॉइस के अकॉर्डिंग करके देख लेना कि कितना आप लोग को सही लगता है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, माइनस में इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। इतना को अगर आप लोग करते हो फिर आप लोग यहाँ से प्ले करके देख लेना कि आप लोग का जो वॉइस है उसमें ये अच्छा सा मैच हो रहा है कि नहीं, मतलब कितना नॉइस रिमूव हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इसको आप लोग सुनकर पहचान सकते हो। फिर यहाँ से आप लोग इसको अप्लाई पर टैप कर देना, थोड़ा सा प्रोसेस होगा इस टाइप से, फिर आप लोग का जो नॉइस है वो काफ़ी हद तक यहाँ से रेडी हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा व्यू था वो थोड़ा सा कम हो गया, मतलब कि नॉइस काफ़ी हद तक रेडी हो गया है, मतलब कम हो गया है। यहाँ से इस टाइप से आप लोग नॉइस रिमूव कर सकते हो। अब हम लोग को यहाँ से सेव करना है, सेव करने के लिए इस पर टैप करेंगे, यहाँ से अपना जो भी नाम वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हो, उसके बाद यहाँ से डन पर टैप कर लेना, फिर यहाँ से सेव कर लेना, फिर आप लोग का जो ऑडियो है यहाँ से सेव हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और आई होप कि आप लोग को ये वाली ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, और तीनों एप्लीकेशन बेस्ट है, तीनों में से कोई भी आप लोग यूज कर सकते हो। ज़्यादातर ये लेक्सिस ऑडियो एडिटर ही यूज होता है, आप लोग इसको यूज कर लेना, काफ़ी अच्छा ऑडियो एडिटर है। इसमें आप लोगों को और ऑप्शन मिल जाता है यहाँ से, जिसको आप लोग कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है।
और इस वीडियो में मैंने तीन एप्लीकेशन बताया, तीनों में से कोई लाइनअप नहीं किया था कि ये वाली बेस्ट है, ये ख़राब है, ये अच्छा है, ऐसे करके आप लोगों को तीनों का बता दिया। आप लोगों को जो भी पसंद आता है आप लोग उसको यूज कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।